गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी राजीव रौतेला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने प्रतिनिधियों को मतदाता सूची, बूथों की स्थिति सहित अन्य बिंदुओं पर क्रमवार समीक्षा की तथा मतदान के समय सभी राजनीतिक दलों के सहयोग की अपेक्षा भी इस बैठक में की गई। बैठक में मुख्य रूप से एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, एसडीएम सदर राहुल पांडे के अलावा समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव, कांग्रेस के प्रवक्ता दिलीप निषाद, कम्युनिस्ट पार्टी के राम मूर्ति सहित अन्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। इसमें सर मतदाता सूची है सर, मतदाता सूची में इंदिरा पब्लिक स्कूल हथियारी बाग ये प्रिंटेड है, जबकि जो बूथ की सूची है बूथ लिस्ट उसमें लिखा हुआ है इंदिरा पब्लिक स्कूल हथियारी, लेकिन जो मत पड़ता है जो बूथ पहले से बना हुआ है वो है महादेव प्रसाद सिंह यूनियन हाई स्कूल गोरखपुर मणिपुर। गोरखपुर शहर का है, प्राथमिक विद्यालय बरगदवा है, इसमें कुल 3 बूथ हैं सर। यहाँ 2 बनते थे सर, वोटर बढ़ने की वजह से 1 और बूथ क्रिएट हुआ है सर। 2 कमरे थे, 2 बूथ बनते थे पहले से बन गए सर, तीसरा जो बना है क्रिएट हुआ है उसको सर शिफ्ट किया बूथों की संख्या नहीं बढ़ रहा है। इसमें यह 200 आपका प्राथमिक विद्यालय बरगदवा में 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, ये 3 बूथ हैं विद्यालय में, कुल 2 कमरा है। और पहले जो है 2 ही बूथ रहते थे, ये जो मध्यस्थों जो संभाजन हुआ अक्टूबर में, ठीक है, वो तो एक बूथ बढ़ा, तीसरा बढ़ गया सर, ठीक है, ये बूथ पहले नहीं, 2 बूथ के 3 बूथ हुए, क्योंकि आपने वो संख्या आप समझाइए कितने संख्या से कितने संख्या का मानक बन गया है। 1400 से अधिक वोटर अब नहीं होने हैं, क्योंकि वीवीपैट से चुनाव होना है उसमें, तो आप कहाँ ले आना चाहते हैं उसका वोटर कहाँ के सर हैं।